नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और सरकार के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है नीतीश कुमार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, या कहें कि महागठबंधन सरकार के खिलाफ। और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को मौके दर मौके मिल रहे हैं नीतीश कुमार पर सवाल उठाने का, नीतीश कुमार पर हमला बोलने का, या फिर ये कहने का कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। दरअसल एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर ने बड़ा बावेला खड़ा कर दिया है, और उसके बाद फिर एक दूसरी तस्वीर आई, उस तस्वीर ने बड़ा बावेला खड़ा कर दिया है। और इन दो तस्वीरों पर सुशील मोदी ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उस पर एक तीसरी तस्वीर के जरिए पलटवार हुआ है आरजेडी की तरफ से, अब उसने भी बड़ा बवेला खड़ा कर दिया है। तो दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि तस्वीर का मामला क्या है। तो बिहार में पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं, बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव आप जानते हैं अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, सुर्खियों में कहें, विवादों में कहें, वो रहते हैं अपने बयानों की वजह से और तमाम दूसरी वजहों से। तो पर्यावरण मंत्री बने हैं तेज प्रताप यादव, और मंत्री बनते ही एक्शन में नज़र आ रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, निरीक्षण पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो पर्यावरण विभाग की मीटिंग में उनके जो बहनोई हैं, उनके जो जीजा जी हैं, शैलेश कुमार मीसा भारती के पति हैं, वो उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने संचालन किया बैठक का, और उसके बाद ये पूरा विवाद, ये पूरा बवाल खड़ा हो गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ये पूछा है कि आखिरकार ये बताया जाना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया है या आज़ादी दे दी है कि जो मंत्रियों के रिश्तेदार होंगे वो बैठकों का संचालन करेंगे, सरकारी बैठकों का संचालन करेंगे। एक दूसरी तस्वीर भी सुशील मोदी ने ट्वीट की है जिसमें तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। आप जानते हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पथ निर्माण और स्वास्थ्य महकमा उनके जिम्मे है। तो तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें उनके जो रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, संजय यादव, वो भी मौजूद हैं। उनको लेकर सुशील मोदी ने लिखा है कि पथ निर्माण विभाग की बैठक में संजय यादव मौजूद हैं, यदि वे उनके निजी सचिव भी होते तो वहां नहीं बैठ सकते, प्रोटोकॉल के अनुसार अंत में या पीछे बैठेंगे, परंतु नीतीश जी मजबूर हैं। अब इन दो तस्वीरों पर सुशील कुमार मोदी ने दो तस्वीरों के जरिए सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधा। आरजेडी ने एक तीसरी तस्वीर जारी कर दी, और वो तस्वीर थी अश्विनी चौबे बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री जब एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं अर्जित शाश्वत चौबे, वो भी उस बैठक में मौजूद हैं। तो ये जवाब कि जब आपके पुत्र बैठक में मौजूद होते हैं, अश्विनी चौबे के पुत्र बैठक में मौजूद होते हैं, तो फिर सुशील कुमार मोदी का मुंह क्यों नहीं खुलता। तो तस्वीरों के जरिए वार पलटवार हो रहा है बिहार की राजनीति में, और लगातार जिस तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा खोल रखा है, उससे बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है।